नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, अभी आपने महाशिवरात्रि के अवसर पर शहडोल में निकली शिव जी की बारात देखी और शहडोल में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन किए। तो चलिए, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ रीवा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीवा में भी निकाली जा रही है भगवान भोलेनाथ जी की भव्य बारात और काफ़ी मतलब वृहद स्तर पर जो बारात का आयोजन किया गया है और पूरे नगर भ्रमण करते हुए बारात जो है शुरू होती है यहाँ बैजू धर्मशाला से और बैजू धर्मशाला से बारात प्रारंभ होकर जो मुख्य मार्ग हैं शिल्पी प्लाजा है, कोठी कंपाउंड है, यहाँ से होते हुए पचमठा तक जाती है। और बता दें कि पूरे नगर के वासी यहाँ पर उपस्थित हैं हर्षोल्लास के साथ और तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, भंडारे किए जा रहे हैं। रीवा में भगवान भोलेनाथ की बारात जो बहुत ही ऐतिहासिक मानी जाती है, बतलाते कि प्रतिवर्ष बारात का आयोजन किया जाता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं शामिल होने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल तालमेल के साथ बहुत सुंदर धुन निकालते हुए। और देख ही सकते हैं क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी बिल्कुल मस्त हैं भोले बाबा की बारात में और नाचते गाते अलग अलग रंगों के रंग बिरंगे परिधान पहने बाबा भोले की बारात में शामिल हैं और एक अलग ही हर्षोल्लास है, उमंग है लोगों के चेहरों पर और इस पूरे वातावरण में। भोले बाबा की बारात में एक से बढ़कर एक झांकियां सजाई गई और निकाली गई। तो देख ही सकते हैं मतलब जितना भी प्रशंसा किया जाए भाई तो उतना ही कम है, काफ़ी सुंदर झांकी है एक से बढ़कर एक। अभी तो ये केवल शुरुआत है, बने रहिए हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में, आपको एक से एक और हम झांकी दिखलाएंगे भोले बाबा की बारात के जो कि रीवा में निकाली जा रही है। और यहाँ पर तो भाई काफ़ी सुंदर सी झांकी है, बता दें कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर जी की यहाँ पर झांकी है, तो आप भी दर्शन करिए और काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है इस झांकी को भी। भोले बाबा की बारात हो और लोगों में उत्साह ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पारंपरिक काली नृत्य के साथ बारात में शामिल जो बाराती हैं एक अलग ही मनोहर छवि प्रदर्शित करते हुए। देख ही सकते हैं भोले बाबा की बारात में ऐसा लगता है मानो मेला सा लगा हुआ है और यहाँ तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि परंपराओं का मेल हो रहा हो, संस्कृतियों का मेल हो रहा हो। और यहाँ पर एक और बहुत ही सुंदर सी एवं उतनी आकर्षक झांकी, श्री रामचंद्र जी पधारे हुए हैं, विराजमान हैं, तो आप भी दर्शन करिए। और भाई यहाँ तो लगता है संपूर्ण ब्रजमंडल उतर आया हो भोले बाबा की बारात में और उतना ही मनमोहक एवं सुंदर नृत्य प्रस्तुत करते हुए।
तो अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और चलिए हम भी दर्शन करें और आप भी ऑनलाइन दर्शन करिए भोले बाबा की बारात में, यानी कि भोलेनाथ के दर्शन करिए और देखते हैं कौन कौन से देवी देवता उपस्थित हैं उनके साथ में। तो देख ही सकते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं जितने भी गण होते हैं भगवान भोलेनाथ के, वो सभी शामिल हैं बारात में। और यहाँ पर इतना सुंदर मतलब मंडप है, जो चलित मंडप है भगवान भोलेनाथ जी का। नंदी जी सवार हैं और नंदी जी के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी सवार हैं, तो देख ही सकते हैं कितना आकर्षक झांकी है। और ये देखिए भाई, भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाइएगा, लाइक करिएगा। चैनल में नए हैं तो हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।